दिल्ली में कल हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल के आए आंकड़े, ज्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान आम आदमी पार्टी की होगी वापसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए शनिवार को 59.85% हुआ मतदान, विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे। दिल्ली में हुए चुनाव के बाद बीजेपी पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार शाम दिल्ली के सांसदों और नेताओं के साथ की बैठक, बैठक में विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा, एग्जिट पोल और परिणाम के बाद की रणनीति का तैयारियों का किया गया खाका। एक बार फिर सामने आई पाक की नापाक हरकत, पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में सैन्य चौकियों के अलावा गांव को भी बनाया निशाना। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागने से एक जवान हुआ शहीद जबकि दो जवान हुए घायल, जवाबी कार्रवाई में भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर दौरा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पीएससी महिला बटालियन के भवन के लिए 5.5 अरब की परियोजनाओं की देंगे सौगात, कल सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा, गुरु रविदास की जयंती समारोह में होंगी शामिल। द्वीपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट पर जताई आपत्ति, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मंदिर नहीं बना सकती, मंदिर का निर्माण केवल राम भक्त ही कर सकते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 4 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं, जिसमें वो आज काशी और सारनाथ दर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम, पुलिस प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षकों को किया संबोधित, दी नकल विहीन ढंग से परीक्षाएं संचालित करने के निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा, 40 दिवसीय वीर शैव धर्म का 100 स्थापना दिवस, जिसमें वीर शैव धर्म के ग्रंथों को 19 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मोदी खुद करने जा रहे हैं। लखनऊ में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों में एक और मुठभेड़, सीतापुर के 10,000 के इनामी बदमाश गोलू समेत मोहम्मद नदीम और मोहम्मद इजाज को किया गिरफ्तार। कोरोना को लेकर हरदोई प्रशासन मुस्तैद, चीन से आए लोगों पर रखी जा रही है नजर, जिला अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कानपुर देहात में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, चीन से आए व्यक्ति के परिजनों सहित 40 ग्रामीणों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण, जिला प्रशासन ने कहा 28 दिनों तक लगातार गांव में रखी जाएगी निगरानी। रामपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कही किसानों की समस्याओं को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात। लखनऊ में कल हुआ डिफेंस एक्सपो का समापन, सीएम योगी राजनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद, आज भी आम लोगों के लिए खुला रहेगा डिफेंस एक्सपो। आजमगढ़ के बिलरियागंज में सीएनआरसी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में राजनीति भी गर्मा गई है, कांग्रेस नेता ने अखिलेश के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं, तो वहीं सपा ने कहा कि कांग्रेस को अपने वजूद बचाने की दे डाली नसीहत। लखीमपुर खीरी में एसएसपी के आदेश पर गैंगरेप पीड़िता की 13 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर, पीड़िता का अभी तक नहीं कराया गया मेडिकल। महोबा के जेल में बीमार हुए कई कैदी, सभी कैदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, कैदियों ने की पेट और सीने में दर्द होने की शिकायत। कानपुर के चकेरी इलाके में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने मचाया उत्पात, गाने में डांस को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद दबंगों ने रेस्टोरेंट में की जमकर तोड़फोड़ और मारपीट। आगरा के ताजगंज में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई।
मेरठ में सगाई की रस्म में फायरिंग होने से युवक की को लगी गोली, घायल युवक को कराया गया केएमसी हॉस्पिटल में भर्ती। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई सलीम की हत्या का पुलिस ने 3 घंटे के अंदर किया खुलासा। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मार दी, जिसके बाद घायल को लखनऊ रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुट गई। भदोही में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस जबरन दुकानदार का सामान उठा ले गई, जिसके बाद दुकानदार को हार्ट अटैक आ गया। वहीं व्यापारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जालौर में चोरों ने व्यापारी से लूटे 3,62,000 रुपए। कस्बा माधोगढ़ से उरई आ रहा था दुकानदार, मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरू। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, घायल छात्रों को कानपुर किया गया रेफर। मेरठ में कल हुआ रोजगार मेला, जिसमें 3,147 युवाओं को मिली अपनी मंजिल। आज गोरखपुर में होगा रोजगार मेला, सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। पासगंज में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान, कुल 180 लीटर अवैध शराब हुई बरामद, 14 गिरफ्तार। आजमगढ़ में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले सगे चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हवस का शिकार बनाने के बाद घर से 1 किलोमीटर दूर बच्चे को फेंक दिया था आरोपी ने। सिद्धार्थनगर में 43वीं एसएसबी बटालियन ने नागरिक गतिविधि कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और युवाओं को बांटी गई खेल सामग्री। मथुरा में साल 2020 की पहली लोक अदालत लगी, जिसमें 14 जोड़ों का सुलह नामा न्यायिक परिसर में कराया गया। दंपतियों ने फूलमाला पहनाकर एक दूसरे को दिया साथ रहने का वचन। मथुरा के गोविंद नगर पुलिस ने कारोबारी से लूटपाट और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारों के पास से बरामद हुए हैं 9,500 रुपए, मोबाइल और नशीली गोलियां भी। विंध्याचल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल पड़ाव के प्रथम फेज का काम हुआ लगभग पूरा, 16 फरवरी को वाराणसी दौरे पर पीएम करेंगे लोकार्पण, वहीं 10 फरवरी को सीएम योगी भी आएंगे स्मृति स्थल। फिरोजाबाद में हाईवे पर चलती बाइक में अचानक लगी आग, आग लगने से सड़क पर लगा लंबा जाम, लोगों में मची भगदड़। चित्रकूट में पड़ोसी ने किया पत्रकार के घर फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी लगाने को लेकर था विवाद। कौशाम्बी में 2 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिला, शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। वही मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटेगी। यूपी के कौशाम्बी में चल रहे अवैध तमंचा फैक्ट्री का एसओजी और पुलिस ने किया भंडाफोड़, छापेमारी में पुलिस ने पकड़े अवैध तमंचे और कारतूस। श्रावस्ती में पुलिस गश्त के दौरान कई मुकदमों के आरोपी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी पर 15,000 का था इनाम, पुलिस ने पहले भी एक 25,000 इनामी बदमाश को किया था गिरफ्तार। आगरा में युवक ने लगाया दरगाह की मुतवली पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, युवक के समर्थन में उतरे संगठन ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, सुनवाई न होने पर किया आत्मदाह का ऐलान। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने डॉक्टर के घर में घुसकर की लूटपाट, घटना के वक्त घर पर अकेली थी डॉक्टर की पत्नी, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के पीलीभीत में सामने आया किन्नर के साथ रेप करने का मामला, किन्नर की शिकायत के बाद फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में मंडलायुक्त और डीएम ने किया सरस मेले का उद्घाटन, कुमाऊं की संस्कृति रीति रिवाजों से लोगों को कराया गया रूबरू।
उत्तराखंड का बजट जल्द पेश किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम त्रिवेदी ने फेसबुक लाइव कर जनता प्रदेश के लिए बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। इस दौरान आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। मसूरी को सीएम त्रिवेदी ने सौगात दी। सीएम ने लोक निर्माण विभाग के विश्व बैंक खंड की ओर से बनने वाली काली रो नदी का पर पुल का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 688 लाख रुपए है। विकासनगर में व्यापारी को घर के बाहर कार खड़ी करना महंगा पड़ा, चोरों ने गायब किए कार के चारों पहिए। उत्तरकाशी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया स्वागत। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 2022 में फिर बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। ऑकलैंड के ईडन पार्क में शनिवार को खेले गए 3 मैच की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला 11 फरवरी को माउंट मानगुई में खेला जाएगा। एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमाने के इरादे से भारतीय टीम रविवार को मैदान पर उतरेगी और उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। बांग्लादेश ने गुरुवार को मजबूत टीम न्यूजीलैंड को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।